मामले सामने आने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। इसी कड़ी में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर सूचना के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी हुई सोने की चेन भी बरामद की गई है। बता दें, पिछले दिनों अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर मेन रोड से महिलाओं के गले से बदमाश चेन स्नैचिंग की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे। इस चेन स्नैचिंग की घटना के चलते पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। उसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर व सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करते हुए दिनेश सोनी व विराट कुशवाहा नामक दो युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटना कबूल की। पकड़ाए बदमाशों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि चेन लूटने के बाद वही थाना क्षेत्र में रहने वाले संजय सोनी नामक एक सुनार को वे बेच देते थे, जिसके बाद पुलिस ने सुनार को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ाए दोनों ही युवकों को रिमांड पर लेकर अन्य चेन स्नैचिंग सहित कई गंभीर अपराधों में पूछताछ शुरू की है और पकड़ाए दोनों ही युवकों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। सर, चेन स्नैचिंग के मामले में दो आरोपी सर गिरफ्तार हुए, सर क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 6 नवंबर को एक घटना हुई थी और एक घटना 22 नवंबर को हुई थी। दो घटनाएं अन्नपूर्णा क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की हुई थी और ये काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए। चेन स्नैचिंग अपराध एक गंभीर अपराध होता है, तो उसमें लूट के अपराध पर जीवित करके उसमें की जा रही थी। लगातार हमारी टीमें इसमें प्रयास में लगे हुए थे और कई सारे इसमें आस्पेक्ट हमारी योजना चल रही थी। बहुत सारे पुराने कैमरल से हमारे टारगेट पर थे, बहुत सारे फुटेज थी, काफ़ी चीज़ें थी। अल्टीमेटली इसमें सफलता पुलिस को मिली कल के दिन और इसमें दिनेश सोनी और चिराग कुशवाहा करके द्वारा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इनसे दोनों जो चैन चैनिंग के अपराध थे 6/11 और 22/11 की घटनाएं थी, उनकी चैनें बरामद हुई हैं। इनने अपराध स्वीकार करके और एविडेंस में दिया है। संजय सोनी जो इसको माल खरीदने वाला है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसको भी आरोपी के तौर पर अरेस्ट किया गया है। PR लेकर आरोपियों से अन्य मामलों की पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अन्य थानों में भी हो सकता है इनके अपराध हो, तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इनका पुराना रिकॉर्ड है मोबाइल स्नैचिंग के दो अपराध इसके ऊपर, मुख्य आरोपी जो है दिनेश के ऊपर है और चिराग भी एक आध मामले में बंद हुआ है, जो कि हम लोग और थानों से इनका रिकॉर्ड पता कर रहे हैं। हो सकता है कि अन्य रिकॉर्डिंग निकले, प्राइवेसी भी दो अपराधों ने पता चला। सर, ये दोनों आरोपी से पूछताछ में ये बताया कि सर कल भी एक परसों भी एक चेन स्नैचिंग एक मामला सामने आया था, क्या उन्होंने यही स्नैचर परसों की स्नैचिंग जो है वो इन्होंने की है, 22 तारीख को जो हुई थी और 6 तारीख को जो हुई थी वो इन्होंने की है। एक अन्य स्नैचिंग की घटना भी अभी बीच में एक लंबित है जिसमें पूछताछ की जा रही है और अन्य थानों की घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है और घटनाएं निकली।